हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीएलडी बैच के बारे में। टीएलडी बैच को कब कैसे यूज़ में किया जाता है, इसकी क्या क्या गाइडलाइन होती है। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीएलडी बैच के बारे में। टीएलडी बैज का फुल फॉर्म थर्मोल्यूमिनेशन डोसीमीटर होता है। टीएलडी बैज का यूज पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। टीएलडी बैज एक्सरे, बीटा व गामा रेडिएशन डोज को मेजरमेंट करता है। अब बात करते हैं टीएलडी कैसीट की। इसे टीएलडी होल्डर भी कहा जाता है। टीएलडी कैसीट हाई इम्पैक्ट प्लास्टिक की बनी होती है, जिसमें 3 फिल्टर लगे होते हैं। ये फिल्टर फ्रंट व बैक दोनों साइड लगे होते हैं। फर्स्ट फिल्टर एल्यूमिनियम प्लस कॉपर फिल्टर होता है, जिसमें 1 mm एल्यूमिनियम व 0.9 mm कॉपर फिल्टर होता है। एल्यूमिनियम फिल्टर रेडिएशन सोर्स की ओर होता है व कॉपर फिल्टर टीएलडी डिस्क के पास में होता है। सेकंड फिल्टर परफेक्स फिल्टर होता है, जो 1.5 mm थिक, मतलब 1.5 mm मोटा होता है। थर्ड ओपन फिल्टर होता है। टीएलडी कैसेट पर एक क्लिप लगा होता है जो रेडिएशन वर्कर्स के क्लॉथ को अटैच करता है। अब बात करते हैं टीएलडी कार्ड की। टीएलडी कार्ड कैसेट के अंदर लगा होता है। टीएलडी निकल कोटेड एल्यूमिनियम कार्ड होता है। टीएलडी कार्ड में CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डाई टेफ्लॉन डिस्क होती है, जो 0.8 mm थिक और 13.2 mm डायमीटर होता है। टीएलडी कार्ड के ऊपर साइड में एक विकेट होता है, जो टीएलडी कैसेट को एक फिक्स ओरिएंटेशन में रखता है। टीएलडी कार्ड एक पॉलीथीन पाउच में पैक रहता है, जिससे डैमेज व डस्ट से बचा जा सके। टीएलडी कार्ड पर पर्सनल नंबर, रेडिएशन वर्कर नेम व यूज करने का पीरियड लिखा होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टीएलडी बैज के यूज करने की क्या क्या गाइडलाइंस होती है। टीएलडी बैज को हमेशा रेडिएशन फील्ड में वर्क करते टाइम लेड एप्रिन के अंदर लगाकर यूज करना चाहिए। जिस पर्सन के नाम से टीएलडी बैज इशू होता है, उस टीएलडी बैज को अदर पर्सन को यूज नहीं करना चाहिए। टीएलडी कार्ड को 3 मंथ में एक बार चेंज कराना होता है। टीएलडी कार्ड को टीएलडी कैसेट या होल्डर में लोड किए बिना यूज नहीं करना चाहिए। टीएलडी कैसेट या होल्डर में टीएलडी कार्ड को लोड करने के बाद ही टीएलडी बैज को यूज करना चाहिए। डायरेक्ट रेडिएशन में वर्क करने वाले पर्सन को ही टीएलडी बैज यूज करना चाहिए। चेस्ट टीएलडी होल्डर में कंट्रोल बैज होता है, जिसे रेडिएशन फ्री एरिया में स्टोर किया जाता है। विदाउट फिल्टर और डैमेज फिल्टर होने पर टीएलडी बैज को यूज नहीं करना चाहिए। न्यू रेडिएशन वर्कर्स को फॉर्म में पर्सनल डाटा फिलअप करके BARC भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई को सेंड करना चाहिए, या रेनेंटेज लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को सेंड करना चाहिए। अब बात करते हैं टीएलडी बैज रिपोर्टिंग लिमिट्स की। एक्सरे के लिए 0.05 मिलीसीवर्ट, गामा रे के लिए 0.2 मिलीसीवर्ट व बीटा रे के लिए 1.0 मिलीसीवर्ट होती है। रेडिएशन एक्सपोजर होने के बाद टीएलडी कार्ड से रेडिएशन डोज का मापन टीएलडी रीडर से किया जाता है। तो अब बात करते हैं टीएलडी रीडर की। टीएलडी रीडर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं व टीएलडी रीडर कैसे वर्क करता है, रेडिएशन डोज को कैसे रीड करता है। टीएलडी रीडर में हीटर पावर सप्लाई, फिल्टर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, एम्पलीफायर व रिकॉर्डर लगा होता है। टीएलडी डिस्क को हीटर कप में रखा जाता है, जहां इसे हीटिंग से गर्म किया जाता है। टीएलडी डिस्क गर्म होने पर क्रिस्टल लैटिस से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लाइट के रूप में इमिट करते हैं। ये इमिटेड लाइट फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब के द्वारा डिटेक्ट कर ली जाती है, जो इसे एक इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर देता है,
जो रिकॉर्डर के द्वारा मेजर कर लिया जाता है। TLD डिस्क को बार बार यूज किया जा सकता है। TLD बेस से 0.1 मिलीसीवर्ट से 100 सीवर्ट वाइड रेंज तक डोज का मापन किया जा सकता है। लिथियम फ्लोराइड भी TLD फॉस्फर के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी रेंज 10 मिलीसीवर्ट से 1000 मिलीसीवर्ट तक होती है। फ्लोरोस्कोपी के दौरान TLD बेस को कॉलर लेवल पर लेड एप्रिन के अंदर पहना जाता है, ताकि थायराइड व आई लेंस के डोज को मेजर किया जा सकता है। न्यूक्लियर मेडिसिन व ब्रेकिथेरेपी में एक एडिशनल रिस्ट बेज का उपयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें व बेल आइकन पर क्लिक करें।